सना क्यों दिमाग में थी, सना हमसे बात हुई थी सना की, तो वो भी मेरे जहन में था, और ऊपर से सना बिग बॉस जीती थी वो भी हमारे जहन में था, तो इसीलिए फिर टीम ने सारी ने डिसाइड किया नरमान मेरे से, मुझे तो मेरे को तो पता था कि सना और हम काम करना चाहते हैं, और निर्माण भाई ने जैसे ही बोला तो मैंने बोला हाँ हो जाएगा, वो हमारे फ्रेंड हैं और वो भी चाहते हैं कि वो काम करें, सो फिर बात बन गई, तो आज सामने साधनी लेके और सना वहाँ पे साधनी जो बने हुए हैं परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आप देख ही रहे हो। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं हमेशा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर तरह का गाना गाऊं, और वो मैं गाती भी हूँ, तो मेरे से गवाने से पहले तो राइटर साहब होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये गाना किसको सूट करेगा किसको नहीं, सो वो नरमान भाई है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये गाना हम करने वाले हैं, और हमने फिर मिलके सारा बनाया, तो बस कुछ डिफरेंट करने का सोचा था और वो किया है हमने। आई थिंक अफसाना का, इफ़ यू सी दिस सॉन्ग का दिस ना, शी इज़ ऑलवेज संग सैड सॉन्ग, एंड आई थिंक दिस इज साधनी की मैं बात करूँ तो इट्स अ लिटिल डिफरेंट जॉनर फॉर हर, एंड थैंक्स टू निर्माण कि उन्होंने भी मतलब यू नो उनका लास्ट सॉन्ग अफसाना के साथ ही था, एंड वॉज लिटिल ऑन द हार्ट ब्रोकन सैड जॉनर, बट ये जो है ये बहुत ही हैप्पी, द इट्स शोइंग द गर्ल वेरी मच शी लव शी इज गोना गेट मैरिड, तो थोड़ी पगलेट जैसी लड़की है, शी इज़ ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, सो आई थिंक या इट्स डिफरेंट, आई थिंक लुक्स में दे वो वेरी लाइक यू नो एक होता है ना जो बोलते हैं ना कैप्टन ऑफ द शिप हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर, तो आई थिंक निर्माण ने वो मेक श्योर किया था, आई थिंक मेरी इतने ट्रायल्स भी नहीं हुए थे, ये बहुत ही लिमिटेड चार कपड़े आए थे, एंड आई थिंक चार कपड़े बस फाइनल फॉर द होल जो मतलब बोलते हैं ना कि श्योरिटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ वो बहुत ही सेट था, सो आई थिंक प्लानिंग से लेके प्रोजेक्शन तक एवरीथिंग वाज वेरी मच सॉर्टेड, सो हमने डिफरेंट डिफरेंट लुक दिया है, एक पंजाबी लुक दिया है, एक वेस्टर्न लुक दिया है, एक हिप्पी लुक दिया है, सो जैसे जैसे गाने का ट्रांसफॉर्मेशन और बीट चेंज होती है वैसे वैसे लुक्स भी चेंज होते हैं।